बाइबल कहती है जब हम यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन उसमें कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, अपना प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और वो तुझे छुड़ाना चाहता है शर्मिंदगियों से, बेइज्जती से, लज्जा से, और वो तुझे बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती जब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं उसमें बाइबल कहती परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में, अपने अनुग्रह के बारे में, अपने फजल के बारे में आपको और मुझको बता रहा है। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रिय प्रभु यीशु मसीह दे दिया। दे दिया का मतलब बख्श दिया, और बाइबल कहती उसने उसको कुर्बान कर दिया, उसको आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। बाइबल कहती जो पाप जो गुनाह आपने और मैंने किए हैं, जो भयंकर गुनाह आपने किए जो मैंने किए, बाइबल कहती उनसे आपको और मुझे छुड़ाने के लिए उसने अपना एक प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाए और आपको और मुझको हर तरह के भयंकर पापों से, हर तरह की निंदाओं से, हर तरह के श्रापों से वो आपको और मुझको आजाद करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया। अब हम उत्पत्ति की किताब में से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में लिखा परमेश्वर का वचन कहता है उसमें कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, समंदर को, हर तरह के पक्षियों को, जानवरों को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर बोलता गया आकाश बने, पृथ्वी बने, जानवर बने, पक्षी बने, तो बाइबल कहती सब कुछ बनता गया। ध्यान से सुनना। और उसके बाद बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया, यानी कि मनुष्य को बनाया, और बाइबल कहती परमेश्वर ने एक मट्टी का पुतला बनाया और उसमें उसको बनाकर अपना आत्मा उसमें डाल दिया और उसको बोल दिया कि आज से तू जीवित है, तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरी आराधना करेगा, तू अदन की वाटिका में रहेगा और जो जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं हे आदम तू इनको फॉलो करना। हालेलुया। पीछे आवाज आ रही सभी को? और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम को बना दिया, फिर उसकी वाइफ को बना दिया, उसकी पसली में से निकालकर उसके लिए स्त्री को बना दिया, और बाइबल कहती सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने जब अपना आत्मा उनमें डाला, उन्हें जीवित कर दिया, तो उनको कुछ आज्ञाएं दी, उनको कुछ वर्ड दिए, कुछ नियम दिए, कुछ कानून दिए कि हे आदम जिस वाटिका में तू रहता है, जिस बाग में तू रहता है, जहां पर मेरा आत्मा कार्य करता है, और इस वाटिका के तू सभी फल खा सकता है लेकिन जो बीच में एक फल है उसका फल तू कभी मत खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि आदम ने क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जब शैतान ने हवा को बहकाया कि हे हवा क्या परमेश्वर ने तुझे ये फल खाने से मना किया है कि तू ये फल मत खाना, तो बाइबल कहती हवा जो थी वो शैतान के बहकावे में आई और उसने बोल दिया हाँ हाँ परमेश्वर ने हमें मना किया है कि तू ये फल मत खाना क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मारे जाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है शैतान ने कहा है हवा यही तो भेद की बात है कि अगर तू ये फल खाएगी, अगर तू ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर की जैसी बन जाएगी। ध्यान से सुनना। बाइबल कहती शैतान हवा के पास आया और हवा को आके बोल रहा है हे हवा शैतान हवा को आके बोल रहा है हे नारी हे हवा क्या परमेश्वर ने तुझे बोला कि तू ये सभी फल खा सकती है कि जहां इनमें से कुछ नहीं खा सकती? यदि हाँ परमेश्वर ने बोला है मुझे, परमेश्वर ने बोला है हमें कि सभी फल तुम खा सकते हो लेकिन ये वाला जो फल है इसको तुम लोगों ने कभी नहीं खाना क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम मारे जाओगे। और शैतान आगे से बोलने लगा अच्छा ये भेद की बात है हवा, तू इसे अभी समझ नहीं सकती,
ये भेद की बात है, क्योंकि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती शैतान उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, शैतान उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है कि देखो अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। लेकिन जबकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, स्त्री को बनाया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को, इंसान को, मनुष्य को अपने जैसा अपने स्वरूप पर बनाए, और बाइबल कहती बनाने के बाद अपने जैसा परमेश्वर ने अपना आत्मा भी उसके अंदर डाला, अपनी ग्रेस भी उसके अंदर डाली। लेकिन शैतान जहां पर बोल रहा है उसको कि हे हवा यदि तू फल खाएगी तब तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। बाइबल कहती जब वो आपके पास आता है, आपकी कॉलिंग परमेश्वर के साथ रहने की है, आपकी कॉलिंग परमेश्वर के बड़े कामों को करने की है, आपकी कॉलिंग परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में बड़े काम रखे उनको करने की है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो आपकी रियल ब्लेसिंग परमेश्वर ने ठहराई हुई है, जो आपकी रियल आशीष परमेश्वर ने जिस काम पे ठहराई हुई है, शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करता है कि नहीं अगर ये परमेश्वर ने बोला है तो ये तुझे ब्लेस करने के लिए नहीं बल्कि तुझसे परमेश्वर ने कुछ छिपा के रखा है। लेकिन बाइबल कहती ऐसा नहीं है, जो परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, आपकी रियल अनॉइंटिंग, आपकी रियल ग्रेस, आपकी रियल ब्लेसिंग वहां है जहां परमेश्वर ने आपको पहले से ही बोल दिया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि शैतान आता है लोगों के पास, शैतान आता है परमेश्वर के लोगों के पास, अच्छा परमेश्वर ने तुझे ये बोला है लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये है। हालेलुया। और बाइबल कहती जब हवा ने शैतान की बात को माना और बोल दिया ठीक है मैं इस फल को खाऊंगी, मैं इस फल को खाऊंगी, और बाइबल कहती जैसे ही आज्ञा तोड़ दी, पाप उनकी लाइफ में एंटर हुआ, शैतान ने कार्य किया, परमेश्वर ने श्रापित कर दिया, परमेश्वर ने बोल दिया कि आज से तुम इस अदन की वाटिका में से निकाल दिए गए हो, तुम चले जाओ जहां से, अब तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, जब तक तुम्हारी लाइफ में पाप है अब से मैं तुम्हारे जीवन में कभी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सर की ओर, बोलो हे परमेश्वर मैं शैतान की बात को कभी नहीं सुनूंगा, मैं शैतान की बात को कभी नहीं मानूंगा, बल्कि मैं उन आज्ञाओं को, उन वचनों को मानकर चलता रहूंगा जो तूने मुझे दिए, जो तूने मुझे दिए। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने तो उनके लिए ब्लेसिंग ठहराई थी, परमेश्वर ने तो उनके लिए आशीष ठहराई थी, अदन की वाटिका में रहते थे, अच्छे अच्छे फल थे वहां पर, अच्छे अच्छे खाने के लिए चीजें थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही शैतान की बात को माना, बाइबल कहती पाप उनकी लाइफ में आया, शैतान ने उनकी लाइफ में कार्य किया, उनकी लाइफ को निराशा में बदल दिया, उनकी लाइफ को दुख में बदल दिया। और बाइबल कहती जो सब चीजें परमेश्वर ने बेस्ट ठहराई हुई थी उनके लिए, अनुग्रह से भरी हुई, ध्यान से सुनना मेरी बहन, बाइबल कहती जो चीजें परमेश्वर ने ठहराई हुई थी शैतान ने क्या कर दिया, हिला के रख दिया, ध्यान को हिला के रख दिया मन को, कि जहां पर तेरी रियल ब्लेसिंग नहीं है, जहां पर तेरी रियल आशीष नहीं है, तेरी आशीष वहां पर है जहां पर मैं तुझे बोल रहा हूं। और बाइबल कहती जब उसने बोल दिया, आदम और हवा अपनी रियल ब्लेसिंग से, अपनी रियल कॉलिंग से, रियल बुलाहट से दूर चले गए। और बाइबल कहती जब वो दूर चले गए, वो पाप में फंस चुके थे, वो अंधकार में चले गए थे, और जो जो अच्छी चीज़ें उनके लिए थी बाइबल कहती सब उनसे छीन ली गई थी, सब उनसे दूर हो चुकी थी। और बाइबल कहती अब आदम और हवा रो रहे थे, ध्यान से सुनना, बाइबल कहती अब आदम और हवा रो रहे थे, और बाइबल कहती उन्हीं के द्वारा पूरे संसार ने जन्म लिया, पूरी सृष्टि ने जन्म लिया, आज जितने जन आप और मैं जहां पर बैठे हो बाइबल कहती सब उनके द्वारा पैदा हुए। और बाइबल कहती जो पाप उन्होंने किया था, जो कार्य उन्होंने किया था, वो पाप उनके द्वारा पूरे जगत में, पूरे संसार में फैलता गया, और सब मनुष्य पाप में पैदा होते गए। और बाइबल कहती जब लोगों ने दुहाई देना शुरू की तो बाइबल कहती परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया,
परमेश्वर ने बड़ा मार्ग निकाला, परमेश्वर ने सोचा कि जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने अपने कामों के लिए ठहराया था, वो पाप में फंस चुका है, लेकिन अब भी मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती परमेश्वर ने बोला अब भी मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा कि अगर ये पाप में फंस चुका है, अगर ये व्यभिचार में फंस चुका है, अगर ये निराशाओं में चला चुका है, अगर ये शैतान के पंजे में आ चुका है, लेकिन अब भी मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसके लिए एक मार्ग निकालूंगा, अब मैं इसके लिए एक रास्ता खोलूंगा, और मैं अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजूंगा, जो मेरे बनाए हुए आदम को, जो मेरे बनाए हुए मनुष्य को फिर से मेरे साथ मिलाएगा, उस पाप की दीवार को खत्म करेगा, और जिस आदम को मैंने बनाया था मेरे गले से लगने के लिए, आराधना करने के लिए, मैं फिर से उसको अपने साथ मिलाऊंगा और बड़ी महिमा के साथ खड़ा करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और बाइबल कहती है योहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत में बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। समझ आ रही सभी को? बाइबल कहती यीशु मसीह ने भेज दिया अपने बेटे को, यीशु मसीह को, जो आपके लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, आपके लिए जिसने दुख उठाए। बाइबल कहती है कि जो सजा आपको और मुझे मिलनी थी, जो सजा आपके लिए ठहराई गई थी, जो सजा मेरे लिए ठहराई गई थी, कि आदम और हवा ने पाप किए, सब मनुष्यों में वो पाप फैल रहा था, लहू के द्वारा शैतान के वो कार्य सब में फैल रहे थे, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उनको श्रापों को, उन पापों को खत्म करने के लिए एक फैसला लिया कि पिता आज मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोल दिया पिता मैं आज तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, और जो तूने मुझे बोला है कि मैं अपने बनाए हुए आदम को, अपने बनाए हुए बेटे को, अपने बनाए हुए लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब मेरा प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह जाएगा और अपना एक एक लहू का कतरा दे के उसे फिर से मेरे साथ मिलाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो हे परमेश्वर तेरा वचन मेरी लाइफ में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे, तेरा वचन मेरे जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे, तेरा वचन मेरे जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे, कार्य करे, कार्य करे। हालेलुया। एक जन्नाना जहां पर जल्दी बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाया परमेश्वर ने, फिर उसकी वाइफ को बनाया, और बाइबल कहती सबसे बड़ी ये बात है जो योहन्ना की अंजील 3 अध्याय में परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब अगर किसी का एक बेटा हो, एक लौता प्रिय हो, क्या वो किसी के लिए देगा? क्या वो किसी के लिए देगा कि हाँ मेरे भाई तू दुख में है, तू निराशा में है, तो चलो मैं अपना बेटा तेरे पास भेज देता हूँ, मेरे पास एक ही बेटा है और ये मुझे संभालता है, ये मेरी मेरी केयर करता है, तो मैं इसको तेरे लिए दे देता हूँ। कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। बाइबल कहती लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया, वो यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय में अपना प्रेम, अपना प्यार जाहिर कर रहा है, और बाइबल कहती उसमें मेन बड़ी बात यह है कि वो अपना प्रेम आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा आपके बीच में बसता है, आप उसी के द्वारा रचे गए हो, आप उसी के स्वरूप पर बनाए गए हो, और बाइबल नहीं चाहती कि आप और मैं नाश हो जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती आप और मैं नाश हो जाएं, ऐसा कभी परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए बाइबल कहती जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया हुआ था, जिस आदम को परमेश्वर ने बनाया हुआ था, बाइबल कहती जब इसने पाप किया, जब इसने शैतान की बात को माना, तो बाइबल कहती जब शैतान के अधिकार में आ चुका था। ध्यान से सुनना, पहले बाइबल कहती कि परमेश्वर आता था, इधर खड़े होना, इधर को फेस करो। परमेश्वर ने आदम को बनाया और बाइबल कहती परमेश्वर आदम के पास आता था और आदम को बोलता था हे आदम तू कहाँ है, और बाइबल कहती आदम दौड़ के आता था और बोलता था परमेश्वर मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, और बाइबल कहती परमेश्वर
उससे बातें करता था, उसके साथ संगति रखता था। डेली 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 अदन की वाटिका में, उस पवित्र स्थान में, उस ग्रेस भरे स्थान में डेली परमेश्वर आदम के साथ साथ चलता था और बाइबल कहती है उसे अपनी हजूरी से भरता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि इस संगति के बीच में, यह संगति ही थी परमेश्वर के साथ, बाइबल कहती है इस संगति के बीच में शैतान ने एक बड़ा कार्य किया कि जब शैतान ने यह सोच लिया, अच्छा परमेश्वर आदम के साथ संगति कर रहा है, परमेश्वर ने इसको अपनी आराधना के लिए बनाया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाइबल कहती शैतान ने पाप करवा दिया, शैतान ने बहका दिया, और बाइबल कहती जो संगति परमेश्वर की इस व्यक्ति के साथ थी, इस आदम के साथ थी, बाइबल कहती पाप करने के कारण इसके बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। समझ आ रही सभी को? बाइबल कहती पाप करने के कारण इसके बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। बाइबल कहती पहले परमेश्वर आता था, आदम को बोलता था, हे आदम तू कहाँ है, और बाइबल कहती आदम दौड़ के आता था, परमेश्वर हाँ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे पास खड़ा हूँ। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही पाप किया पीछे, जैसे ही पाप किया, बाइबल कहती अब परमेश्वर आ रहा है और इसको बोल रहा है, हे आदम तू कहाँ है। लेकिन बाइबल कहती अब की बार पाप की दीवार बीच में खड़ी हो चुकी थी। हालेलुया। बाइबल कहती अब की बार पाप की दीवार, वो शैतान की बनाई हुई दीवार बीच में खड़ी हो चुकी थी, और बाइबल कहती अब परमेश्वर इसको बोल रहा था, हे आदम। लेकिन बाइबल कहती है पाप की दीवार ने परमेश्वर को आदम के साथ मिलने नहीं दिया। बाइबल कहती परमेश्वर इसे पुकार रहा था, इसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइबल कहती जब इसने आज्ञाओं को तोड़ा तो वो दीवार बीच में खड़ी हो चुकी थी। एक जन आना जल्दी। पहले परमेश्वर कैसे आता था? सीधा आता था, कोई बीच में दीवार नहीं थी, कोई पाप नहीं थी। जहां पर आदम खड़ा है परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और परमेश्वर आ रहा है शाम को सुबह और इसको बोल रहा है, हे मेरे बेटे, और बाइबल कहती परमेश्वर इसके साथ संगति कर रहा है। लेकिन अब की बार जब परमेश्वर इसके पास आ रहा है तो बाइबल कहती है जे बीच में एक दीवार आ चुकी है, और आदम अब इसके पीछे हो चुका है। और बाइबल में जब आप देखते हो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल जोल नहीं है। बाइबल कहती पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल जोल नहीं है, मतलब के पवित्रता का और अपवित्रता का कोई भी मेल जोल नहीं है। जब तक ये पाप की दीवार बीच में से नहीं जाएगी, जब तक ये अपवित्रता बीच में से नहीं जाएगी और ये मनुष्य पवित्रता में नहीं बदलेगा, बाइबल कहती है तब तक परमेश्वर उसके पास नहीं जा सकता, तब तक परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं कर सकता, तब तक परमेश्वर उसको ऊंचा नहीं कर सकता। जब तक ये पाप की दीवार बीच में रहेगी, परमेश्वर कभी इसके आर पार उसको छू नहीं सकता, कभी परमेश्वर उसको टच नहीं कर सकता, जब तक ये दीवार बीच में से नहीं हटेगी। हालेलुया। समझ आ रही सभी को? कितनों को आ रही समझ? बाइबल कहती परमेश्वर तो ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर तो आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर तो आता है आपके पास, परमेश्वर तो बोलता है, हे मेरी बेटी तू प्रार्थना कर रही है, हे मेरी बेटी तू प्रेयर कर रही है, तू मांग रही है परमेश्वर से, लेकिन जब मैं तेरे पास आता हूँ तुझे ब्लेस करने के लिए, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको ब्लेस करूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूँ, मैं अपने दूतों को भेजता हूँ, लेकिन जब वो आने की कोशिश करते हैं तो तू पाप कर देता है, और जब तू पाप कर देता है तो वो दीवार बीच में खड़ी हो जाती है, और जब दूत तेरे पास आते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा तेरे पास आता है, वो दीवार को देखते हैं और बाइबल कहती है वो उसके आर पार नहीं जाते, वो वहीं से अपनी ब्लेसिंग अपनी बरकत लेके चले जाते हैं, और बाइबल कहती आप फिर वहीं के वहीं बैठे रहते हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है आदम पाप में फंस चुका था, गड्ढे में फंस चुका था, दीवार बीच में थी। बाइबल कहती लेकिन अब भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा, ठीक है आदम तू फंस चुका है, आदम तू शैतान के पंजे में आ चुका है, चल, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जी ले अपनी जिंदगी, आनंद कर, मौज कर। बाइबल कहती परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला अच्छा बीच में दीवार आ चुकी है, लेकिन इसको तोड़ने का उपाय मेरे पास है, इस दीवार को साइड पे करने का, इसको
तोड़ने का, इसे दो हिस्से करने का मेरे पास एक तरीका है, एक प्लान है। हालेलुया। और वो प्लान है, बाइबल कहती है यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्लान है, वो योजना थी यीशु मसीह। बाइबल कहती है यूहन्ना की अंजील में कि परमेश्वर ने देखा आदम मेरे से दूर हो चुका है, मुझसे दूर हो चुका है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया कि हे मेरे बेटे तू जा और उस दीवार को तोड़ डाल, उस दीवार को खत्म कर दे, ताकि मैं अपने बेटे के पास, अपने लोगों के पास फिर से जाऊं और फिर से जो अदन की वाटिका में मैं उनकी लाइफ में बड़े कामों को कर रहा था, मैं फिर से वही कार्य उनकी लाइफ में करूं, मैं फिर से वही ब्लेसिंग, वही आशीष उनको दूं और उनको ब्लेस करूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो। और बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम था, यह परमेश्वर का प्यार था आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके पति के लिए, ये परमेश्वर का प्यार था। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया और यीशु मसीह ने इस रीति से आपको और मुझको आजाद किया। बाइबल कहती जो सलीब होती थी, जो क्रॉस होती थी, सूली होती थी, बाइबल कहती वो उन लोगों को दी जाती थी जिन्होंने भयंकर भयंकर पाप, जिन्होंने भयंकर भयंकर अपराध किए होते थे, बाइबल कहती उनको क्रॉस, उनको सूली दी जाती थी और उनको ये दर्दनाक मौत दी जाती थी कि ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने तुच्छ जाना गया है, इसने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किए हैं, जहां इसने भयंकर व्यभिचार, जहां बुरे भयंकर गुनाह किए, तो बाइबल कहती है इसलिए उनको क्रॉस दी जाती थी, उनको मारा जाता था और उनको लोगों के सामने एक लकड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता था कि सब लोग उसका तमाशा उड़ाएं, सब लोग उसकी निंदा करें, उसकी बेइज्जती करें कि देखो एक व्यभिचारी, देखो एक पापी मनुष्य क्रॉस पर लटका हुआ है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र थे, यीशु मसीह शुद्ध थे, यीशु मसीह पवित्रता से भरे हुए थे और उन्होंने बोल दिया कि हे मेरे परमेश्वर, जो तेरा तेरे बनाए हुए लोग, तेरे बनाए हुए बेटे बेटियां पाप में हैं, हे परमेश्वर मैं जाऊंगा, मैं उनके पापों को अपने ऊपर उठाऊंगा और मैं अपना लहू देके उनके सब पापों को सूली के ऊपर लटकाऊंगा, उन्हें खत्म करूंगा, उन्हें नाश करूंगा और इस दीवार को बीच में से तोड़ दूंगा और फिर से तेरे लोगों की संगति मेरे परमेश्वर में तेरे साथ करवाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही सभी को? बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात वहां पर लिखी है। अगर आपने पुराने नियम में पढ़ा हो तो उसमें लिखा, जब परमेश्वर का मंदिर था, परमेश्वर की हैकल थी, तो उसमें एक पवित्र स्थान होता था जिसके अंदर परमेश्वर के मेज, परमेश्वर का जो वो संदूक था वो होता था, और बाइबल कहती है उसके बीच में एक पर्दा होता था जिसके अंदर कोई भी मनुष्य एंट्री नहीं कर सकता था, जिसके अंदर कोई भी जन जा नहीं सकता था, मतलब के परमेश्वर के साथ वो अपनी सहभागिता उस रीति से नहीं रख सकता था जैसे कि अदन की वाटिका में थी, जैसे कि अदन की वाटिका में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य उनकी लाइफ में करता था। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह सूली पर थे, यीशु मसीह क्रॉस पर थे, उनके हाथों में से ब्लड आ रहा था, उनके सर में से ब्लड आ रहा था, उनके पाँव में से ब्लड आ रहा था, उनके बॉडी में से ब्लड आ रहा था, उनके पीठ पर से कोड़ों से ब्लड आ रहा था, और बाइबल कहती है उनके एक एक लहू का कतरा, एक एक लहू की बूंद यह साबित कर रही थी कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपके बच्चों से कितना प्रेम करता है, कि उसने आपको इस दीवार के पीछे अकेला नहीं छोड़ा, उसने आपको इस दीवार के पीछे निराश नहीं छोड़ा, उसने आपको इस दीवार के पीछे चिंताओं में नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने प्रिय इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया कि वो अपना लहू देके इस दीवार को दो हिस्सों में कर दे, इसको चीर दे और आप इस दीवार के आर पार परमेश्वर के साथ मिल सको और परमेश्वर से सहभागिता रख सको। हालेलुया। और बाइबल कहती जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण, अपना लहू दे दिया सूली पर, बाइबल कहती जो हैकल में पर्दा होता था वो स्वर्ग से, ऊपर से,
नीचे दो भाग हो गया, दो हिस्सों में कट गया, दो हिस्सों में बट गया, जो कि इस बात को दर्शाता था कि जो अदन की वाटिका में दूरी बन चुकी थी, जो अदन की वाटिका में आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में दूरी बन चुकी थी। बाइबल कहती जहां पर यीशु मसीह सूली पर लटके हुए थे, सूली पर चढ़े हुए थे, यीशु मसीह का लहू बह रहा था, और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, अपना प्राण दे दिया, बाइबल कहती ये जो दीवार थी बीच में से हट चुकी थी, बीच में से टूट चुकी थी। और बाइबल कहती है कि अब जो कोई यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करता है, मान लेता है कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसे बोलता है, हे मेरी बेटी तू कहाँ है, हे मेरे बेटे तू कहाँ है। और बाइबल कहती है अब बीच में से दीवार हट चुकी है, अब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, अब परमेश्वर आपके पास है, वो आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए वो आपके साथ खड़ा है, यीशु के नाम में वो आपके साथ खड़ा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में, हालेलुया। बाइबल कहती अब वो दीवार आपके साथ नहीं है, अब वो अदन की वाटिका वाली दीवार आपके साथ नहीं है, कि परमेश्वर आपको बोल रहा था, परमेश्वर आपको बोल रहा था आदम तू कहाँ है, लेकिन बीच में जो दीवार थी वो रोक रही थी परमेश्वर को आपके पास आने से, लेकिन बाइबल कहती वो दीवार यीशु मसीह का लहू देने से टूट चुकी है, हालेलुया। बाइबल कहती वो दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, अब बाइबल कहती आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती जो कोई उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है कि यीशु मसीह हे मेरे प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धारकर्ता है, आज से मैं तेरा हूँ, आज से मैं तेरा ही रहूँगा, बाइबल कहती परमेश्वर उसको ब्लेस कर देता है और उसे बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर देता है, हालेलुया। समझ आई सभी को, जहां समझ आ रही सभी को आ रही है, हालेलुया। तो आप सब यीशु के नाम में ब्लेस हो, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में। लेकिन एक 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 बात याद रखना हमेशा, दीवार तो परमेश्वर ने तोड़ दी, यीशु मसीह को भेज दिया कि अब जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, वो चाहे कोई भी हो, बाइबल कहती पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए खुशी का संदेश है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो बीमारी में नहीं रहेगा, वो दुखों में नहीं रहेगा, वो शैतान के बंधनों में नहीं रहेगा, बल्कि वो ब्लेस हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन एक बड़ी वेद की बात है, एक बड़ी राज की बात है कि आपको ब्लेस कैसे होना है, आपको आशीषित कैसे होना है। बाइबल कहती है कि जब तक आप अपने मन को फिराते नहीं हो, अपने पाप छोड़ते नहीं हो, अपने गुनाह छोड़ते नहीं हो, उन्हें त्यागते नहीं हो, बाइबल कहती जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हो परमेश्वर कभी आपके पास नहीं आता, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए वो कभी आपके पास नहीं आ सकता, जब तक बाइबल कहती आप अपने गुनाहों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ नहीं देते, हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर तूने 5 महीने पहले परमेश्वर मेरी लाइफ में ये कार्य किया था और तेरे आत्मा ने मुझे बोला था परमेश्वर के मैं तेरी लाइफ में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तेरी लाइफ में ये करने के लिए जा रहा हूँ, तो परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू उस कार्य को मेरी लाइफ में पूरा कर दे, परमेश्वर तू उसे मेरी लाइफ में उंडेल दे। लेकिन बाइबल कहती है कि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल जोल बोलो नहीं है। मतलब कि आप प्रार्थनाएं तो कर रहे हो, आप मांग तो रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे लिए ये बोला गया था तेरे वचनों में से, तेरे दासों के द्वारा, लेकिन अब तक मेरी लाइफ में पूरा क्यों नहीं हो रहा, मैं मांगता जा रहा हूँ, अब 5 महीने हो चुके, अब 15 महीने हो चुके, मेरे परमेश्वर अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जो प्रार्थनाएं तू करता है उसके बीच में एक रुकावट है,
क्योंकि तू पाप नहीं छोड़ना चाहता, तू व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहता, तू नशा नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, इसीलिए तू ब्लेस नहीं हो पा रहा। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे ही आप तोबा कर लेते हो, जैसे ही आप मन फिरा लेते हो, तो बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग से उतर जाता है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। बाइबल कहती फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको ब्लेस करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया।